झारखंड में लगातार हो रही बारिश से धनबाद के कुमार दुबी में झिलिया नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी में बढ़ते पानी की वजह से करीब 200 घरों में पानी घुस गया है। कई परिवार अपने घर से निकलकर स्कूल, मंदिर और ऊंची जगहों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों परिवार किसी तरह घर से निकलकर सामुदायिक भवन और क्लब में शरण ले रहे हैं। बिजली विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों की बिजली काट दी है। नदी में बढ़ते पानी की वजह से कुमारधुबी पुल के करीब तक तेज धारा बह रही है। वहीं ओवर ब्रिज के पिलर की मिट्टी खिसक जाने से सपोर्ट में लगाया गया लोहे का पाइप भी भर भरा कर गिर गया है। इसकी वजह से इलाके में आवाजाही बाधित हो गई है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में प्रशासन ने उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। प्रशासन के रवैये से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। अब बाढ़ पीड़ित शख्स ने बताया कि उनके घर में 7 फीट पानी भर गया है। उन्होंने विधायक और सांसद पर अपना गुस्सा निकाला है। आज जो ये बाढ़ का नजारा है, ये 2018 में भी यहाँ आई थी और सद्भावना जो यहाँ कोल वाश्री लगाए हुए हैं उसका डंपिंग के वजह से उस समय बाढ़ आई थी और आज भी तत्कालीन यही अवस्था लगा रही है। यहाँ का जनप्रतिनिधि का आज के बाद कल आएंगे, आके देखेंगे, बोलेंगे ये सब घर में बाढ़ में, ये देखिए, ये नज़ारा देखिए। आज भी हम फर्स्ट फ्लोर में है, हमारे घर के नीचे अभी 7 फीट पानी भरा हुआ और जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे और वही लोग हमारा यहाँ पर जजमेंट भी कर देंगे कि यहाँ कभी पानी नहीं आया था और सिर्फ खाना पूर्ति वो लोग करते हैं। जहाँ पर वो लोग को अच्छा अच्छा विचार क्रीच वाले लोग, आयरन किए हुए लोग दिखाई मिलते हैं, वो लोग उस आदमी के बीच में जाते हैं। यहाँ गरीब को, यहाँ गरीब की जनता को देखने वाला कोई नहीं। आज तक अभी तक कोई जनप्रतिनिधि के यहाँ कोई दस्तक नहीं है और ना ही इसका कोई भव्य नज़ारा। जनप्रतिनिधि यहाँ पर मोबाइल स्विच ऑफ कर करके सो गए हैं, उसको उठाने से उनका मोबाइल को स्विच ऑफ किया मिलता है। इसमें आपका जिम्मेवार किस व्यक्ति को मानते हैं? इसको, ये तो प्राकृतिक है, ये तो मानते हैं, पानी तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि जीते हुए इसका ये कह के दिन ब दिन प्रत्येक साल ये इस तरह का नजारा यहाँ होते, ये सब दायित्व बनता है कि उस लोग भी इसका ये करें। झिलिया नदी में बाढ़ से नया नगर, शिवली बाड़ी, पूर्वी मोहल्ला, बागाकुड़ी, नीचू धोड़ा, बगान धोड़ा और उड़िया धोड़ा मोहल्ले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बाढ़ के दौरान मदद नहीं मिलने से गुस्साए लोगों की दिक्कतों का प्रशासन ने जायजा लिया है। अग्यार कुंड के सीओ अमृता कुमारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लिया है। अमृता कुमारी ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को रहने खाने का इंतजाम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी परिवारों के घर सूखा राशन और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। अमृता कुमारी ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग से भी बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। हम लोग उपाय कर रहे हैं कि जो पानी भर गया है उसको कटवाने के लिए, ताकि पानी सबसे पहले निकल जाए, ठीक है। और जिनका जिनका घर प्रभावित हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तत्काल राहत के लिए खाना भी मिल जाए और ऐसे लोगों को भी पानी लेकर जाना है, उसको सेव करने के लिए हम लोग इसका सारा इंतजाम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों की फौरन मदद की जानी चाहिए और उन्हें समय रहते ही सुरक्षित स्थान से टिकाया जाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।